खलील और रहमान कमर किसी तारफ का मुताज नहीं। आज एक क्लिप मुझे मिला उसका, जो देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ उनके पढ़ा लिखा होने पे और पाकिस्तानी होने पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज मुझे एक क्लिप मिला खलील और रहमान कमर का, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही आला पाए के राइटर हैं, बड़े पढ़े लिखे राइटर हैं और पाकिस्तान में बहुत नाम है उनका, हर लिहाज से नाम है उनका। उनका मैंने एक क्लिप देखा है, सुना है, तो मुझे बहुत अफसोस लगा है कि इस तरह के लोग जो इतना नाम कमा चुके हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान की वजह नाम कमा चुके हैं और पाकिस्तान को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान के इदारों को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपनी शायरी में और महफिलों में जाकर, तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। वो मैं अभी आपको क्लिप थोड़ा सा सुनाता हूँ, तो मुझे बहुत अफसोस है उसका कि उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की है। ये हमारे भाई, इनको 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान में यशी करते हुए, पाकिस्तान का नाम कमाते हुए, पाकिस्तान में अपना नाम कमाते हुए, पाकिस्तान में अपना कारोबार करते हुए, पाकिस्तान से इन्होंने क्या कुछ नहीं हासिल किया। पाकिस्तान में रहकर आज़ादी इनके इन्होंने कौन सी है, इनकी पमाल हुई है, इनकी कोई आज़ादी पमाल नहीं हुई। पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस वक्त गुलाम है, जो खुद को 76 साल बाद आज गुलाम समझते हैं, उनका कोई लाज नहीं है हमारे पास, पाकिस्तानियों के पास उनका कोई लाज नहीं है। वो ज़हनी गुलाम है और वो शख्सियत परस्ती के गुलाम है और वो गुलाम ही रहेंगे सारी उम्र, क्योंकि वो एक को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ लेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे तीसरे को पकड़ लेंगे, वो गुलाम ही रहेंगे। खुदा का वास्ता आप लोगों को यार कुछ अकल से काम लें कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान में हर बंदा आज़ाद है, अपनी मर्जी से हम जी रहे हैं, अपनी मर्जी से हम चल रहे हैं, अपनी मर्जी से सारे काम कर रहे हैं और हम दोष देते हैं कुछ अदारों को और वो अदारे जो हमारी हिफाजत के लिए ममूर हैं वो हमारी हिफाजत करते हैं। पाकिस्तान कायम है, दायम है इनकी वजह से। अल्लाह के बाद जो फौज है वो फौज ही है जो पाकिस्तान का दिफा कर रही है। 1965 की जंग जो है उसमें कौन थे, तो आप लड़ रहे थे, फौज ही लड़ रही थी ना, फौज ही दिफा किया था पाकिस्तान का। अभी जो मतलब 2020-21 में हुआ जो अभिनंदन आया था, अभिनंदन ने जो काम किया था उसके बाद जो उन्होंने टारगेट सेट किए थे फौज ने किए थे, आपने किए थे, फौज ने किए थे ना बिल्कुल। हाल ही में जब ईरान ने अभी पाकिस्तान में कुछ लोगों को मार दिया, शहीद कर दिया, उसके बाद पाकिस्तानी फौज ने ही उन पर अटैक किया है, ईरान में टारगेट सेट किए हैं, वो टारगेट आगे पीछे भी नहीं हुए। तो यार खुदा का वास्ते आप लोगों को कि आप अपने मतलब के लिए, आप अपने मतलब के लिए दूसरे लोगों को गालियां दे रहे हैं और बगैरत बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आप लोग। खुदा का वास्ते आप लोगों को अक्ल से काम लें। पाकिस्तान की फौज जो है, अल्लाह के बाद पाकिस्तानी फौज जो है वो हमारी महफज है, हमारी हमारी जो सरहदों की महफज है, वो शहीद हो रहे हैं, वो हमारे भाई हैं जो शहीद हो रहे हैं, वहाँ पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो आप लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं, आप उन लोगों को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। बहुत अफसोस होता है ऐसे लोगों से जो फौज के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो आप ऐसा ना करें खुदा का वास्ता आप लोगों को। ये इंडिया नहीं कर सका फौज के खिलाफ, इतना लोगों को इंडिया नहीं कर सका जितना आप लोग इस वक्त जहर उगल रहे हैं फौज के खिलाफ। तो जब फौज आपको, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता उन फौजियों के, जो फौजी आपको पसंद है, जो आपको फौजी पसंद है वो ठीक है फौजी, आप जो इस वक्त के फौजी हैं वो आपको पसंद नहीं है, जो आपकी मर्जी के काम कर रहे थे वो आपको पसंद है वो ठीक है, जो अभी के हैं वो गलत हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
ये इदारा है, इदारा अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चल रहा है, अपनी एक रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है, तो आप लोग जो हैं उनको गालियां दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होना चाहिए। फौज पाकिस्तान की है और पाकिस्तान फौज का है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद है, फौज जिंदाबाद है, तो आप इस तरह ना करें जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो और पाकिस्तानी फौज की बदनामी हो और पाकिस्तानी फौज का जो है ना डिस्क करे जो उनको आप डिसार्ट कर रहे हैं, आप डिसार्ट ना करें उनको, तो मेहरबानी है आपकी, आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं, अपनी मर्जी से चल फिर रहे हैं, तो फिर भी आप फौज को गालियां दे रहे हैं इस मुल्क में, तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है आपका, अल्लाह ही है आपको हिदायत फरमाए, लेकिन लगता नहीं है कि आपको हिदायत आ जाए, क्योंकि आप एक ऐसी रवश पर चल पड़े हैं जो मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है और फौज के लिए भी ख़तरनाक है और हमारे लिए भी ख़तरनाक है, क्योंकि हम ऐसे अमल करेंगे जब तो फिर एक जो बात है जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा, हमने जो बोया हुआ वही काट रहे हैं, हम ही फौज के साथ हम मिल के सारे काम करते हैं ना, क्या नहीं किया हमने फौज के साथ मिलकर, जिनको आप अभी गालियाँ दे रहे हैं उसी फौज के साथ ही आपने मिलकर हुकूमत बनाई थी, उसी फौज के साथ मिलकर सारा ये फौजें हुकूमतें बनती रही हैं, तो आप ऐसा ना करें, मेहरबानी करें, शफकत करें। बड़े अफसोस की बात है जी, जो 76 साल बाद दोबारा से गुलाम हो गए हैं दोस्त मेरे, जैसे कि मैंने बताया आपको खलीलुर्रहमान कमर साहब, या इस तरह के बहुत ज़्यादा लोग हैं जो 76 साल पाकिस्तान में आज़ादी के साथ घूम फिर रहे थे, जश्न आज़ादी मना रहे थे, 14 अगस्त मना रहे थे, 23 मार्च मना रहे थे, वो आज अचानक मतलब एक साल से तकरीबन 2 साल से दोबारा से गुलाम हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़हनी गुलाम है, उनका पाकिस्तान के साथ कोई तल्लक नहीं है, उनके पाकिस्तान के साथ कोई आज़ादी और गुलामी का कोई तल्लक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो ज़हनी गुलाम है, वो जो खुद का आजकल अपने आप को गुलाम समझ रहे हैं वो ज़हनी गुलाम है, जो ज़हनी गुलाम है वो तो आज़ाद हो ही नहीं सकते, आप इतने साल आज़ाद रहे हैं और अचानक आप 2 साल पहले गुलाम बन गए हैं, और ये खलीलुर्रहमान कमर का मैं आपको मैंने एक सुनाया है जो पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहा है, मैं तो वो सुनना भी पसंद नहीं कर रहा था, तो मैंने इसलिए आपको ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ी है कि इन जैसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत फरमाए और पाकिस्तान को आज़ाद ही रहने दें। अगर आपने आज़ादी की और गुलामी का रिजल्ट चेक करना है तो हाल ही में बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है, तो उस पर आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, उस वक्त आप लोग कह रहे थे कि ये इंडिया चांद पर पहुंच चुका है, इंडिया चांद पर पहुंच चुका है, आप जश्न मना रहे थे इधर, जो पाकिस्तान में ज़हनी गुलाम है वो लोग। अभी हाल ही में उन्होंने एक और मस्जिद को जो है निशाने पर रख लिया है, जो बहुत जल्द उसको भी उन्होंने ऐसे ही करना है जो बाबरी मस्जिद के साथ उन्होंने किया है। तो अगर आप आज़ादी और ग़ुलामी का मज़ा चखना चाहते हैं तो आप इंडिया में जाएं एक बार, आप वहाँ के उन मुसलमानों के साथ जाके मिल के आएँ आपको, ताकि आपको पता चल सके कि वहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ जो मुसलमान अपने आप को आज़ाद समझ रहे थे वो पाकिस्तानिया वहाँ पे उसको अपना शहरी समझ रहे हैं इंडिया का, वो उनके साथ क्या सलूक करते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा पाकिस्तान में और इंडिया में या आज़ादी और ग़ुलामी में फ़र्क क्या है, फिर आपको पता चले। तो इसलिए मेहरबानी करें, पाकिस्तान आज़ाद है, इसको आज़ाद ही रहने दें, ये आज़ाद मुल्क है, आज़ाद ही रहने दें, अपने ख्यालात को बदलने की कोशिश करें और पाकिस्तान से मोहब्बत करें और पाकिस्तानी फौज के साथ मोहब्बत करें और पाकिस्तान के दूसरे इदारों के साथ भी मोहब्बत करें, जो पाकिस्तान के इदारे हैं और जो इदारों में बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करें और अपने जो फैसले हैं और मेरिट पर करें और मेरिट पर बात करें, ताकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनके लिए दुआएँ करें और जो पाकिस्तान जो तरक्की कर सके।